धूम टू में जो भी आपको धूम वन में पसंद आया है वो बिल्कुल मिलेगा, और उसके अलावा और बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता इस वक्त, क्योंकि पिक्चर रिलीज़ पे है, और मुझे यकीन है कि लोग जब अंदर जाएंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ये जो टाई अप हुआ है पेपी जीन्स के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए कि पेपी जीन्स के साथ ये टाई अप है कि ये जो जो कपड़े देख रहे हैं आप यहाँ पे, हम इसे D2 कलेक्शन कहते हैं। ये कपड़े एक्चुअली हम सब ने एक्चुअली फिल्म में पहने हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ फिल्म में नहीं है, नॉर्मल आम लोग इस शॉप में आ सकते हैं, इसे ख़रीद सकते हैं और अपने आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर उनको पिक्चर पसंद आई है तो शायद और इंजॉय करेंगे, अगर इस पिक्चर पसंद भी नहीं आए कपड़े ज़रूर पसंद कर सकते हैं। खुद आपको क्या इनपुट रहा है, जैसे अगर आपकी लुक की बात करें, आपके कपड़ों की बात करें, तो आपका भी कुछ इनपुट रहा है कि मुझे कुछ इस तरह से चाहिए होगा या आपने कुछ? एक्चुअली बिल्कुल कैरेक्टर पे डिपेंड होता है, तो जैसा कैरेक्टर लिखा गया है, और जो स्टाइलिस्ट हैं अनाइटा, उन्होंने धूम वन भी की थी, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पूरा ट्रस्ट है अनाइटा पे। जैसे कि आप देख रहे हैं उन्होंने कमाल काम किया है, तो वो जब स्टाइल करते हैं तो मैं कहता हूँ यस यू लाइक इट आई लाइक इट। आपका तो चलिए ठीक है, हमने देख लिया लुक, लेकिन इसके लिए आपको कौन फेवरेट था, मतलब आपके कोई स्टार्स की बात करें तो किसका लुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा शायद ऋतिक इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट इन दिस फिल्म। उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े और उनका जो मैनरिज्म भी है बहुत अलग है, हटके है, तो प्रॉब्ली हिज स्टाइलिंग इज माई फेवरेट। और दैट्स वन डे विपाशा वन डे ऐश, आई कांट मेक माई माइंड अप, यू नो दे बोथ ब्यूटीफुल वीमेन। ओके, ये तो थी फिल्म की बात, फिल्म में आपके रोल और कपड़ों की बात। आम जिंदगी में किस तरह से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? आम जिंदगी में बिल्कुल कैजुअल कपड़े पसंद करता हूँ, जीन्स एंड टी-शर्ट्स और जीन्स एंड शर्ट्स, दैट्स इट। मैं ऐसे होता है कहीं जाते हैं तो सिर्फ डिजाइनर वेयर ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टार है तो शायद इस वजह से, या कहीं से? नहीं नहीं, डिजाइनर वेयर तो लेबल पैंट के अंदर होता है, किसी को पता भी नहीं होता है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। अगर कपड़े अच्छे लगते हैं मुझ पर, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं पहन लेता हूँ, वो फैशन स्ट्रीट से हों या गुची से हों, आई डोंट माइंड। बाइक्स की जैसे हम बात कर रहे थे कि धूम टू में हमने वो चीज़ बहुत देखी, लोगों ने ज़्यादा वो चीज़ लाइक अट्रैक्शन किया, धूम टू में भी हम ये चीज़ देखेंगे? धूम टू में बाइक्स हैं ज़रूर, लेकिन हम अभी हमेशा वही चीज़ नहीं बनाना चाहते, धूम वन की नकल नहीं करना चाहते, हम अलग पिक्चर बनाना चाहते हैं। तो लोगों को पसंद आई है बाइक्स पार्ट वन में, दैट्स वेरी गुड, बट इस फिल्म में भी कुछ और मिलेगा उन्हें देखने के लिए। बाइक्स हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी पार्ट वन में। कुछ स्टार्स जो इस फिल्म में, इस फिल्म का हिस्सा लेंगे धूम टू में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐशा और जॉन दोनों को मिस किया हमने। वी होप दैट यू नो वी कैन वर्क अगेन इन धूम विद देम, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ धूम टू, ये एक अलग पिक्चर है, और इन लोगों के साथ भी काम करते हैं, दीज ऑल माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ऐश, ऋतिक, विपाशा, अभिषेक ऑफ कोर्स। सो बहुत मज़ा आया धूम टू में, मज़ा आया था धूम वन में भी, मज़ा आया था, सो वी आर वेरी लकी। आई थिंक अभिषेक एंड माई सेल्फ आर रियली लकी दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ बोथ द फिल्म्स, बट या वी मिस जॉन एंड ऐशा। जो बिग स्टार कास्ट होते हैं, स्पेशली ऐसी फिल्म जहाँ पे सब दोस्त हैं, तो काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ज़्यादा लगता है कि पिकनिक पे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि काम कर रहे हैं, एक दूसरों के साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, काम कर रहे हैं साथ में, तो दैट्स व्हाट्स फन अबाउट इट। सोलो पिक्चर होती है तो नेचुरली काम में ज़्यादा ध्यान जाता है, यानी एक थोड़ा सा सीरियस माहौल हो सकता है, लेकिन इस फिल्म में इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज अ पार्टी थ्रू आउट। लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि बड़ी फिल्म, बड़े डायरेक्टर, तो कैमरे मैन के साथ भी काम करना है। आप हमेशा यश राज से जुड़े, तो कितना लकी बात है, आप तो एक ही मतलब ठहराने से हैं, और लोगों की ख्वाहिश होती है यश राज के साथ जुड़ना, तो एक बड़े बैनर कितना इंपॉर्टेंट होता है? आई थिंक बड़ा बैनर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सारे टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं, जो गुड राइटर्स हैं, गुड डायरेक्टर्स हैं, और वही अच्छी पिक्चर बनाते हैं। अच्छी पिक्चर में काम करने का फ़ायदा ये है कि लोग सिर्फ पिक्चर को पसंद नहीं करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टर है वो अच्छी तरह लिखा गया है, आपके डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं, आपकी स्टाइलिंग अच्छी हुई है, सो इट्स अ बिग बिग पैकेज, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क इन अ बिग बैनर एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर योर करियर। बट या देयर आर सम पीपल हु आर लकी, सम पीपल हु आर नॉट। नहीं, घर में काम करना तो एक थोड़ा सा वो रहता है, रुआब जैसे कि मेरा ही घर है, तो कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सेट पे मैं बिल्कुल एक नॉर्मल आम एक्टर की तरह ट्रीट किया जाता हूं, और कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिलती मुझे। इस वक्त मेरे पास कोई और फिल्म नहीं है, धूम टू के बाद देखेंगे।
सोलो फिल्म मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो कुछ और करें। लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड की कोई ऐसी पांच हीरोइन की बात करें जो सेक्सीएस्ट, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? ये आप मुझे आराम से पूछिएगा, मैं इस वक्त सोच नहीं सकता। ऐश्वर्या एंड बिपाशा ऑफ कोर्स, बिकॉज दे विद मी इन धूम 2 एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन धूम 2 राइट नाउ एंड दे आर ब्यूटीफुल। आई एम लुकिंग एट देयर फोटोग्राफ फ्रॉम हियर एंड दे आर ब्यूटीफुल। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि जब मैं आपको बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े खरीद के ले जा सकते हैं, आप किसके लिए ले जाएंगे? मैं इस वक्त एक्चुअली किसी के लिए नहीं ले जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि लोग आए यहां पे और खुद खरीद के मेरे लिए ले आए, तो आई एम वेटिंग समबडी बायज इट फॉर मी। पानी पीना, लेकिन मेरे पास एक खुला हुआ बॉटल है, सॉरी, डोंट माइंड।